गली गली में एक ही आवाज चलती है एंड दैट इज गली बॉय सिद्धांत चतुर्वेदी। और आज सूर्य नगरी जोधपुर में हमारे साथ है द वन एंड ओनली सिद्धांत। स्वागत है आपका। कोमल नाहटा सर के साथ आप पहली बार जोधपुर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार है जोधपुर, लेकिन उदयपुर में आया हूँ मैं और जयपुर भी आए हैं। उदयपुर में हमने ये फ़ोन बूथ जो हमारी फिल्म आ रही है वो हमने शूट किया, हम करीबन एक या दो हफ्ते रहे। जोधपुर लेकिन पहली बार आना हुआ है, लेकिन बस एक ही है दुख की ज़्यादा समय नहीं मिला, सिर्फ दो दिन के लिए आए हैं। कल रात को आए और कल सुबह आए और आज जाना है, तो थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि यहाँ माहौल जो है बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है और मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ आने का। मुझे तो मन कर रहा था कि और भी रुक जाऊँ, लेकिन अभी फिल्म के प्रमोशंस थे क्योंकि 4 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा जाना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है मैं वापस आऊँगा, परिवार के साथ आऊँगा और यहाँ रहूँगा। थोड़ा सा फ़ोन भूत के बारे में बताइए जी कि क्या ख़ास हमें देखने को मिलने वाला है, नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। फ़ोन भूत बेसिकली कहानी है ये इन दो लोगों की जो बहुत बड़े हॉरर के फैंस हैं, जो हमारी पुरानी हॉरर फिल्में हुआ करती थी उसके उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और वो एक जर्नी पे जाते हैं जो उन्हें मिलती है कटरीना कैफ वहाँ, और वो एक भूत प्ले कर रही हैं। मतलब हालांकि आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि इतनी खूबसूरत है तो भूत कैसे हो सकती हैं, बट हमको भी नहीं होता शुरू में। तो वो हमको एक जर्नी पर लेके जाती हैं, एक सफ़र पर लेके जाती हैं, और कैसे हम जो भी जो हमारी मस्ती है, कॉमेडी ज़्यादा है हॉरर से मुझे लगता है, आपको थोड़ा डर लगेगा लेकिन हंसी ज़्यादा आएगी जी। तो ये पारिवारिक फिल्म है, बच्चों के साथ जाएंगे आप देखने, और मुझे लगता है ऐसे समय पे ऐसी फिल्म आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी समय से लोग ये कॉमेडी यू नो ज़्यादा आई नहीं है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया। तो 4 नवंबर को देखना मत भूलिएगा फ़ोन भूत सिद्धांत के साथ और कैटरीना कैफ। इस बार जो भूत बनी है कैसी बनी है वो देखने के लिए भी कोमल सर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कोमल सर से मैं उन्हें मुझे याद है मैं उनसे मिला था गली बॉय के बाद पहली बार, और वो बहुत ही वॉर्म हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और उनके बाद मैं उनके शो पे भी गया था, मैं अपने पापा के साथ गया था उनके साथ, तो बहुत मज़ा आया मुझे। और उनसे ऐसे मतलब ऑन इंटरव्यू तो मज़ा आता ही है बात करने में, ऑफ इंटरव्यू भी हम काफ़ी बातें करते रहते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के बारे में और मैं काफ़ी नया हूँ, तो जो उनकी जिनका टेक होता है स्क्रिप्ट पे, जो जिस तरह से वो चीज़ें बताते हैं, तो मैं तो उनको फॉलो करता हूँ ट्विटर पे भी, तो मैं काफ़ी उनका मतलब ध्यान से सुनता हूँ, एक तरह से वो मार्गदर्शन देते हैं कि क्या फिल्में हैं, क्या जो एक कहते हैं ना कि जो जनता को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो उनको काफ़ी मतलब क्लोजली फॉलो करता हूँ और जब मौका मिलता है उनसे बातचीत करता हूँ और बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, कोमल नाहटा सर जो है हमारे वो सीए हैं, तो उन्हीं के मार्ग पे चल लिया था मैं, लेकिन फिर पता चला कि वो इस इंडस्ट्री में आ गए तो मैंने उनके पीछे पीछे मैं भी आ गया। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है एक्टिंग डांस, क्योंकि बीच में थिएटर भी किया हुआ है अपने मोहल्ले में, गली मोहल्ले में काफ़ी डांस वगैरह यू नो, जब वहाँ पे गणपति होता है यहाँ हमारे यहाँ गणेश पूजा, तो वहाँ पे मैं पंडाल पे काफ़ी डांस और होस्टिंग और ये सारी चीज़ें मतलब बचपन से ही था ये चीज़, तो अब मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है सिद्धांत चतुर्वेदी और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आने वाली फिल्मों की शूटिंग भी हमारे जोधपुर में हो और आप खूब यहाँ विजिट करें, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसे ही कहेंगे कि आपकी फिल्मों के लिए शुभकामनाएं, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। खमा गड़ी, थैंक यू।